when x is less than equals to 1 and minus 2x plus log base 2 b square minus 2 when x is greater than 1. Find the set of values of b for which fx has maximum at x equals to 1. Find the set of values of b for which the maximum value of fx is at x equals to 1. हो रहा है ना? हो रहा है बच्चों? ठीक है ठीक है। जब हो जाए तो बताना, ठीक है? ओके सर। थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहा करो, वरना मुझे ऐसा महसूस होता है कि नेटवर्क में तो दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है। ओके सर। ठीक है ठीक है।
सर एक्स इक्वल टू वन पे तो एफ एक्स मैक्स हो ही नहीं रहा बेटा। मैक्स कैसे होएगा मैं बताता हूँ, देखो इसमें एक्स लेस देन वन पे फंक्शन की लिमिट देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस एफ एक्स क्या होगा पहले ये देखते हैं। तो वो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स, मतलब ये एक्स की जगह वन डालेंगे तो फाइव आएगा, यहां तक ठीक है। और अगर एफ वन की वैल्यू भी देखो एफ वन तो वो भी फाइव आएगा। तो कहने का मतलब ये जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, तो वन पर फंक्शन फाइव है और वन से पहले जब हम जाएंगे तो फाइव से ऑब्वियसली छोटा होता चला जाएगा, जैसे जीरो पर देखो माइनस फाइव हो जाएगा, तो वन से पहले वैल्यू फाइव से थोड़ी छोटी चलेगी। तो अगर वन पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है तो इस तरफ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो प्रूव कर रहा है कि वन से पहले फाइव से छोटी वैल्यू है और वन के बाद फाइव से बड़ी वैल्यू, यहाँ तक तो मुझे दिक्कत नहीं है। तो अगर फाइव पर मैक्सिमम है तो ये जो वैल्यू है वन के बाद, जस्ट वन के बाद, आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल मैक्सिमम, तो जस्ट वन के बाद जो वैल्यू होनी चाहिए वो फाइव से छोटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस सर, फाइव से छोटी होगी। बिल्कुल, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन क्या और इक्वल टू फाइव, फाइव से बड़ी होनी चाहिए, फाइव हो सकती है, फाइव हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए उस पॉइंट पर, राइट? फाइव से सर छोटी नहीं होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू फाइव होगा ना? हाँ, लेस, फाइव से ना बड़ी लिख दी क्या, सॉरी, लेस देन इक्वल टू फाइव, राइट? अब ये जो वैल्यू जब एक्सटेंडिंग टू वन प्लस डालेंगे इसमें, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस माइनस टू एक्स प्लस लॉग बेस टू बी स्क्वायर माइनस टू, दिस वैल्यू हैज टू बी लेस देन इक्वल टू फाइव। एक्स की जगह वन डालेंगे तो ये माइनस टू, तो लॉग बेस टू बी स्क्वायर माइनस टू लेस देन इक्वल टू सेवन, आई थिंक करेक्ट है? बिल्कुल सर, बस इसको सॉल्व कर लो और बी का इंटरवल निकाल लो फटाफट। सर कुछ अजीब ही इंटरवल आ रहा है सर इसका। हाँ थोड़ा आंसर तो अजीब है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बताओ सर। तो b स्क्वायर माइनस 2 ये 1 से बड़ा है तो साइन में कोई चेंज नहीं है, आएगा 2 की पावर 7, तो b स्क्वायर आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू कितना 130, बोलो। यस सर, तो बस बी का इंटरवल आ गया। लिखो फटाफट लिख लो, मेरे ख्याल से सही है ना? यस सर, हो गया। बी स्क्वायर आ गया माइनस रूट 130 से, बी आ गया माइनस रूट 130 से रूट 130 तक। हाँ ठीक है, क्लोज ब्रैकेट ना? यस सर, क्लोज आएगा। ठीक है, अब एक काम करो, अगला क्वेश्चन लिखो, ये प्रैक्टिस कर लेना, इस बार टेस्ट में भी यही आएगा, मैक्सिमम मिनिमम। राइट डाउन क्वेश्चन। यस सर। एफ एक्स है आपका साइन पाई एक्स बाई टू, व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन जीरो टू वन एंड थ्री माइनस टू एक्स है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, इसके भी आपको पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? ग्राफ बना लो इसका।
हो रहा है ना बच्चों? जी सर, एक सेकेंड। ओके सर, इसका लोकल मैक्सिमा होगा x इक्वल टू 1 पर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आएगा। इसका मिनिमा नहीं आएगा सर इसका कोई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अगर हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ की बात करें तो x 0 पर ये 0 ही आएगा और x 1 पर ये आएगा sin पाई बाय 2। sin पाई बाय 2 1 होगा, तो x 1 पर ये वैल्यू आपकी 1 आ गई। अगर मैं बीच के नेचर की भी बात करूं, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो आएगा पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू एक्स। आएगा या नहीं बच्चों, बताओ? जी सर। तो जब एक्स जीरो टू वन होगा, तो ये वाली वैल्यू जीरो टू वन का मतलब जीरो से पाई बाई टू आएगा एंगल। यस सर, जीरो से पाई बाई टू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग। तो 0 टू 1 में इसका ग्राफ इंक्रीजिंग कुछ ऐसा जाएगा, नेचर ऑफ द ग्राफ। समझ में आ गया? तो ये जो डेरिवेटिव है ना, ये ग्राफ का नेचर बताने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब यहाँ देखो, इसके बाद 1 के बाद स्ट्रेट लाइन एट एग्जैक्टली 1, 3 माइनस 2 1 और 2 पर हो जाएगा माइनस 1, तो ये एक डिक्रीजिंग लाइन है। देखो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस 2 आएगा, विच इज नेगेटिव डिक्रीजिंग, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी इस तरीके से। समझ में आ गया? जी सर। बस तो हो जाएगा ये, तो यहीं पर आएगा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। तो इट इज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू 1 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना? यस सर, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आने चाहिए जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो उनके लिए अलग से कुछ चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। हमें बस अपना मेथड एग्जैक्टली लगाना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज माइनस एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 टू 1 2x minus 3 when x is lying between 1 and 3. If fx is least at x equals to 1, then b belongs to which interval? If fx is least at x equals to 1, then b belongs to which interval?
हाँ जी हो गया। हाँ एक सेकंड सर। ठीक है, सर -2 से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, -2 से -1। बेटा ओपन इंटरवल में। दोनों इंटरवल तो नहीं दिए इसने आंसर में, इसने आंसर में 1 2 इंफिनिटी दिया हुआ है। चेक करो क्या गड़बड़ है, कुछ और बात तो नहीं है। अच्छा एक सेकंड सर। सर वेविकल में डिनोमिनेटर वालों को लेते हैं लेते हैं बेटा। हाँ ठीक है बेटा, सही कह रहे हो तुम, इनका गलत है आंसर, क्योंकि है ना सर? क्वेश्चन के, हाँ इनका गलत है आंसर, मैं देख लिया मैंने, वेवी कब बनाऊंगा तो यही आएगा जो तुम कह रहे हो। ठीक है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी सभी बच्चों का हो गया, ऑल ऑफ यू, या अभी कर रहे हो? सर कर रहे हैं 2 मिनट। ठीक है हाँ, कैरी ऑन कैरी ऑन। सर 1 तक क्लोज इंटरवल है, वन पे क्लोज इंटरवल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। -2 से -1, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। यस गुड। सर तुषार ने चैट बॉक्स में लिखा है डन। सर क्या कह रहे हो? तुषार ने चैट बॉक्स में लिखा है डन। ओके सबका हो गया ना, फिर आगे बढ़ूं मैं? जी सर। ठीक है चलो, ठीक है राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन देन। फाइंड नहीं सॉरी फाइंड नहीं द एरिया ऑफ द एलिप्स, द एरिया ऑफ द एलिप्स नहीं पूरे एलिप्स का नहीं सॉरी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन द एलिप्स, एट एनी पॉइंट पी ऑन द एलिप्स and its axis is minimum, and its axis is minimum
देन फाइंड द पॉइंट पी, देन फाइंड द पॉइंट पी. सर रिपीट करना कुछ. द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय एनी टेंजेंट at any point P on the ellipse, at any point P on the ellipse, x square by a square plus y square by b square equals to 1, and x-axis is minimum, and x-axis is minimum, then find the point P. Find the point P. सर इसकी तो अप्रोच नहीं समझ आ रही. मेरे को आ रही है सर, प्लीज सर अभी मैं आईडिया दे देता हूं. इस पे काम कर लो, पॉइंट अज्यूम कर लो और उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, फिर ट्रायंगल बनेगा एक्सिस के साथ, उसका एरिया निकालो और फिर उस एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करो. सर ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड एक्सिस होंगी ना, एक्स और वाई. हां बाकी दोनों साइड एक्सिस होंगी, बिल्कुल. ओके सर.
मैं बताऊं? नो सर, बिल्कुल नहीं सर, होने वाला है मेरा। ओके ओके सर, कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, कर रहे हैं। What point you have assumed? X1 Y1। ठीक है, X1 Y1 तो ठीक है, उसमें दो variables आएंगे, तो बाद में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं एक method बता देता हूँ। Parametric ले लो। X1 Y1 तुम्हें उसमें put करना पड़ेगा। तो X1 square upon A square plus Y1 square upon B square equals to 1, तो X1 Y1 में से एक eliminate हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि तुम इसमें एक पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट एज्यूम कर लो और इस पर टेंजेंट लिख लो। क्लास 11 में तुमने पढ़ा होगा टेंजेंट की इक्वेशन बाय द फॉर्मूला टी बराबर जीरो, पढ़ा है या नहीं? पढ़ा है सर। तो एक्स स्क्वायर को लिखते हैं एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई, कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ये बहुत आसान। Yes, y into b sin theta upon b square equals to 1. तो ये हमारा कटेगा, ये हमारा कटेगा। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूं तो आएगी x cos theta upon a plus y sin theta upon b equals to 1. तो ये पॉइंट a होगा, तो y कोऑर्डिनेट को जीरो कर दो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा a upon cos theta, और x कोऑर्डिनेट को जीरो पुट कर दूंगा तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा b upon sin theta। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ ए अपॉन कॉस थीटा इनटू बी अपॉन साइन थीटा। यस सर। तो ए बी अपॉन साइन टू थीटा जाएगा, और इस ए बी अपॉन साइन टू थीटा को मुझे मिनिमम करना है या मैक्सिमम करना है? सर मिनिमम। मिनिमम तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो मैं मैक्सिमम इनमें भी क्यों करूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, बात खत्म। तो व्हिच इज पॉसिबल एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो मुझे मैक्सिमम इनमें लगाने की भी जरूरत नहीं है। यस सर, पॉइंट्स आ गए, पॉइंट आ गया a बाय रूट 2 कॉमा b बाय रूट 2। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्यों काम आता है कि तुम्हें दो दो वेरिएबल्स एज्यूम करने की जरूरत नहीं होती। सर पैरामीटर के बिना तो कैसे करते हैं फिर इसको? कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट दैट इज एन हार्ड मेथड, करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। yes, तो कोई बच्चा ये सोचे कि यार पैरामीटर से तो होगा ही नहीं, फिर ये तो गड़बड़ बात है ना, तो ऐसा नहीं है, इससे मैं करके दिखाता हूँ। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x(x1)a² + y(y1)b² = 1, है ना? यस सर। ठीक है, तो
अब ये जो होगा पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, अच्छा वाई को जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन कॉमा जीरो, और ये आएगा आपका जीरो कॉमा बी स्क्वायर अपॉन वाई वन, तो इसका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन। अब मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करेंगे तो एक्स वन वाई वन पर डिपेंड कर रही हैं चीजें, तो एक्स वन वाई वन इस कर्व पे लाई करेगा हमारे इलिप्स पे, और इलिप्स की इक्वेशन ये है ना, तो ये आ जाएगा आपका एक्स वन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज वन, तो यहाँ से वाई वन स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई वन आ जाएगा आपका बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, तो डेल्टा आ जाएगा हाफ इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स वन इंटू कर ले इवन कर देना बस ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्स वन इंटू बी बाय बी बाई ए बी बाई ए भी शायद रूट में आ जाएगा ना, या अच्छा ये तो बी स्क्वायर बाई अच्छा अच्छा वाई वन निकाल लिया क्या मैंने, तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये भी तो रूट में आएगा ना, यस सही लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करो, तो इस वाले को आप तुम क्या कर लोगे, इस वाले को मैक्सिमाइज कर लोगे, इसको ए मान लो, ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी या नहीं। यस सर। भाई ये तो कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो सब कुछ इन दोनों पे डिपेंड करेगा, तो ऐसा पॉइंट निकाल लो जहां पर ए मैक्सिमम होगा, तो जब ए मैक्सिमम होगा तो ये डेल्टा मिनिमम होगा, तो डी ए बाई डी एक्स करके हो जाएगा वो काम, समझ में आ गया। यस सर, वो ये लेंथ है उसका। सर एक बार फिर से समझाना। ठीक है, मतलब ये मैंने एक्स वन वाई वन हमने पॉइंट ले लिया, वहां पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। सर ऊपर वाला मेथड, सर वो पैरामेट्रिक वाला मेथड कह रहा है। अच्छा ऊपर वाला मेथड, अच्छा ओके ओके, वो तो बहुत आसान है बेटा, इस पे पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा a cos थीटा b sin थीटा, वहां पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी राइट। यस सर। बताओ, फिर वो टेंजेंट में x 0 पुट करा तो y कोऑर्डिनेट आया, y 0 पुट करा तो x कोऑर्डिनेट आया, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये एरिया आ गया, इसको मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू हो गई साइन टू थीटा बराबर वन, वो कब होगी जब थीटा आपका पाई बाई फोर होगा, और थीटा आपका पाई बाई फोर होगा तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो पॉइंट आ जाएगा। ओके सर। ओके सर, एक मिनट नोट कर। हाँ हाँ आराम से टेक योर टाइम। आंसर ओके ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं।
ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन. फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ डैश एक्स. फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ डैश एक्स वेयर एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर. बेटा ऊपर कर लो. अच्छा अच्छा, कौन से वाला? पैरामेट्रिक वाला देखना है, मतलब ट्रायंगल से एरिया से यहाँ. ठीक है देखो. हाँ सर बता देना. ठीक है नीचे कर लो. इसमें एफ डैश एक्स के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं. इसमें ना तुम एफ एक्स के ही क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो. एफ एक्स के ही क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करो. ओके सर. सर फोर आ रहा है. फोर क्रिटिकल पॉइंट्स. सर पॉइंट आ रहा है फोर. अच्छा एट एक्स इक्वल्स टू फोर. नहीं
हाँ सही है, एक पॉइंट आएगा फोर, एक वन ऑफ द पॉइंट इज फोर, टू टू फोर और जीरो, टू फोर और जीरो, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर। फोर कैसे आ रहा है जरा मुझे बस ये समझा दो सर। एफ डैश एक्स को जीरो रख दिया, एक्स ग्रेटर देन टू के लिए, एक्स लेस देन टू के लिए, एक्स ग्रेटर देन टू में ही फोर आ सकता है, एक्स लेस देन टू में फोर आएगा ही, ठीक है, तो एक्स लेस देन टू का भी जीरो होगा ही। जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना वो होते हैं जहाँ पर या तो एफ डैश एक्स जीरो हो, या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो, या एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ये तीन बातें। एफ डैश एक्स जीरो पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना एफ एक्स कर रहा जीरो पर एग्जिस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, एफ डैश एक्स जीरो हो या एफ एक्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो, या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ऐसे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जीरो पर एफ एक्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो एक तो पॉइंट यही हो गया। और अगर मैं एफ एक्स को डिफाइन करूं, तो एफ एक्स को मैं डिफाइन करूंगा तो एफ एक्स कैसा आएगा, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, जब एक्स टू से बड़ा होगा, और टू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जब एक्स टू से छोटा होगा। तो टू पर भी प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी ये देखो, चेक करो, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बताना बच्चों, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स की पावर 4 जब x ग्रेटर देन 2, यही आएगा yes. ना, और x की एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन x की पावर 4, और यहां पर आएगा, तो देखो f डैश x 0 कब होगा, x बराबर 2 पर 0 हो रहा है नहीं हो रहा, तो एक तो हमारा 0 आ गया था पॉइंट, एक 2 आ गया था, और फोर पर क्या होगा, एक्स बराबर फोर पर क्या होगा बताओ, जीरो, बस ठीक है, तो एक्स बराबर फोर पर भी टू पर कहाँ जीरो हो रहा है, ये टू मैंने इसके लिए है कि क्योंकि टू पर एफ डैश एक्स जीरो नहीं हो रहा है, वो मैं नहीं कह रहा कि जीरो हो रहा है, सोचो मैंने टू पर, क्योंकि सर वहाँ पे नेचर चेंज हो रहा है, कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, कर्व का नेचर चेंज हो रहा है और वैल्यू चेंज हो जाएगी डेरिवेटिव, यस सर, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात होगी, यस सर, तो वो दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि 2 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल का पॉइंट है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर डेरिवेटिव 0 होता है, या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, या fx एग्जिस्ट नहीं करता, यस सर, इसलिए मैंने 2 लिखा था, ठीक है। सबका हो गया ना ऑल ऑफ यू, यस सर, ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Let fx equals to cos x into sin 2x, then चार ऑप्शंस लिख रहा हूं, मिनिमम ऑफ fx x belongs to minus pi to plus pi,
इज ग्रेटर देन माइनस सेवन बाई नाइन. सेकेंड ऑप्शन सेम चीज है, इज ग्रेटर देन माइनस नाइन बाई सेवन. थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर देन माइनस वन बाई नाइन. एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रेटर देन माइनस टू बाई नाइन. ओके सर. हाँ जी, हो रहा है ना? जी सर. ठीक है, कैरी ऑन.
हाँ जी हो रहा है बच्चों जी सर एक सेकेंड हाँ ठीक है कैरी ऑन सर आप ही बताओ ये तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं करता हूं देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एफ एक्स की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डेरिवेटिव करोगे ना अभी से अगर डेरिवेटिव करोगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा एक ट्रिक यूज कर लो वो कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा बेटर तरीके से देखूं तो मेरा एफ एक्स कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है यस सर ये आ गया ये ठीक है बोलो यस सर यस ठीक है। मुझे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी क्वेश्चन में पूछा है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है अब यहाँ देखो इसका मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ। एक और तरीका होता है देखो एक काम कर सकते हो साइन एक्स को टी मान लो और इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ गया तो इसका जब मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो आएगा -12t। तो -12t पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव आएगा तो जी टी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 1/√3। 1/√3 पर मिनिमम होगा पॉजिटिव वाले पर। बोलो जब ये 1/√3 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा सॉरी मैक्सिमम होगा और जब t की जगह -1/√3 करेंगे पुट यहाँ पर तो ये प्लस आ जाएगा। तो जब t -1/√3 होगा तो जी टी मैक्सिमम होगा या नहीं होगा सॉरी मिनिमम होगा या नहीं होगा। मिनिमम होगा -1/√3 पर मिनिमम -1/√3 पर मिनिमम होगा तो -2/√3 है ना। बोलो यस सर -2/√3 -1/√3 है ना। यस सर सही लिखा है सर। 4/√3 तो मेरा भी आ रहा था -4/√3। -4/√3 आगे तो बेटा सही आ रहा है तुम्हारा सर। इसके बाद समझ नहीं आ रहा ना क्या करते। अब ये देख लो ना मिनिमम वैल्यू है। ओहो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई ये तो तुम बेकार में फंसे हुए हो। ये आ गया ना ये सर यही आया तो वैल्यू रख देंगे थोड़ी वैल्यू देखो क्या आ रही है। ये -7/9 के आसपास है या नहीं है बस ये बताओ। है सर हाँ तो बस ये चेक करोगे -7/9 से छोटा है या बड़ा है बस इसी बात पे क्वेश्चन है और कुछ नहीं। देख लो छोटा है या बड़ा है। बड़ा बड़ा मुझे तो लग रहा है ये बड़ा है। बड़ा है सर -7/9 बड़ा 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 है सर ये ऑप्शन
बड़ा है तो दिस इज ग्रेटर देन माइनस, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस है ना, ये एक्चुअली मल्टीपल चॉइस है, तो माइनस 7/9 यहाँ पुट करके देखो, तो माइनस 2/9 यहाँ होगा, माइनस 7/9 यहाँ होगा, ऐसे ही होगा या नहीं होगा बताओ। यस सर, यस सर। माइनस 1/9 यहाँ होगा। अब माइनस 9/7 देखो कहाँ होगा, 7/9 का मैग्नीट्यूड और 9/7 के मैग्नीट्यूड में ये मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो ये और छोटा हो गया। बोलो माइनस 9/7 यहाँ होगा या नहीं, तो यानी कि जो वैल्यू है वो इससे यहाँ से इससे भी बड़ा होगा, तो इन दोनों से बड़ा होगा, तो ये दो ऑप्शन करेक्ट होंगे इसके। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी लेकिन वैल्यू आ जाएगी, है ना। ओके सर, ठीक है सर, एक बार बताना 9/7 से कैसे हुआ ये, क्योंकि 9/7 तो माइनस 7/9 से और छोटा हो गया ना, और ये माइनस 7/9 के आज से थोड़ा सा बड़ा है, तो जब माइनस 7/9 से बड़ा है तो माइनस 9/7 से तो बड़ा होना ही। समझ गया सर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तुम्हें काफी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करा दिए हैं। एक लिखो और एफ एक्स लिखो, कितनी जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x व्हेन x लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 0 माइनस साइन x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस कॉस x व्हेन x लाइज बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई, फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम ऑफ fx। Find the global maximum and global minimum of fx. क्वेश्चन क्या था, हेलो। हाँ बेटा, एफ एक्स दिया है ना मैंने, तो एफ एक्स की ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम फाइंड आउट करना है कि ग्लोबल मैक्सिमम क्या होगा और ग्लोबल मिनिमम क्या होगा।
रहा है ना? हो रहा है सर, अभी मत बताना। ठीक है, सर। हाँ जी बेटा। सर मिनिमम वैल्यू जो आ रही है हमारी अब तक वो आई है -2.25 एट एक्स इक्वल टू -3/2 ग्लोबल मिनिमम। बेटा ये तो आंसर नहीं है इसका। सर -2.0 -2 मिनिमम है और 0 मैक्सिमम है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ग्लोबल मैक्सिमम जो है वो जीरो है और मिनिमम। सर ग्लोबल मैक्सिमम तो जीरो ही है। सर ग्लोबल मिनिमम मेरा x इक्वल टू -3/2 पर -2.25 आ रहा है। -2 की जगह -3/2 डोमेन में नहीं है क्या? -3/2 डोमेन में ही नहीं है, -1 से छोटा है। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ सर -2.0 वो ध्यान नहीं दिया मैंने। -1 से 0 देखे ना, तो जब x -1 होगा तो 1 -3 -2 होगा और 0 पर कितना हो जाएगा ये? जब x 0 होगा तो -1 पे कितना होगा? 1 -3 -2 और 0 पे कितना हो जाएगा? 0। और इसका तो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इसमें तो ये इंक्रीज कर रहा है, जस्ट एक आइडिया ले रहा हूँ, मैं पूरा बना नहीं रहा। और इस इंटरवल में साइन एक्स आपका इंक्रीज करता है लेकिन माइनस साइन एक्स ऐसे डिक्रीज कर जाएगा, करेगा या नहीं करेगा? जी सर। और यहाँ पर ये पाई पर हो जाएगा -1 + 1 = 0, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट इन दो जगह आएगा और मिनिमम पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो मिनिमम होगा आपका π/2 पर और मैक्सिमम होगा आपका पाई और जीरो पर। तो π/2 पर ये वैल्यू निकाल लो या ये वैल्यू निकाल लो आपकी आ जाएगी, है ना? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। यस सर, वो तो आ गया था। हाँ ठीक है, तो मिनिमा, सॉरी मिनिमा तो आएगा यहाँ पर -1 पर, -1 पर वैल्यू आएगी एट एक्स इक्वल टू -1 और मैक्सिमम आएगा आपका 0 या पाई पर, 0 और पाई, वो 0 आएगा, 0 या पाई। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा के थोड़े वो क्वेश्चंस कराए हैं जिनमें आपका डिसकंटिन्यूटी भी दिख रही है ना, या फंक्शन का नेचर चेंज कर रहा है, एक ही बात है। यस सर। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं अभी। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सर, फाइंड मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन।
अच्छा क्वेश्चन है ये। बताऊं या अभी हो रहा है? वेट की ठीक है। हाँ जी करें कर रहे हैं सर, थोड़ा बड़ा है इसलिए कर रहे हैं। हाँ ये थोड़ा बड़ा तो है, नो डाउट।
सर वन आएंगी? नहीं बेटा, कौन से पॉइंट पर है? एक सेकंड सर, एक सेकंड। टू सर, टू। टू इसका आंसर चेक करता हूँ, इसका आंसर करता हूँ एक बार देखता हूँ। नहीं सर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इसका आंसर आएगा 1 प्लस 2 टू दी पावर n बाई 2 और उसका होल स्क्वायर। हाँ सर यही आया है। बस तो ठीक है, सर एक बार बता दीजिए। ठीक है, पहले एक काम करो, इस फंक्शन को ना डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए बेटर मेथड ये है कि मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूं। अब इसका डी ए बाई डी अल्फा निकाल लो, करो करो, निकालो डी ए बाई डी अल्फा, फिर देखते हैं। इसका तो जीरो आ जाएगा, ऊपर जाके साइन टू दी पावर माइनस आ जाएगा, तो माइनस एन कॉस अल्फा अपॉन साइन टू दी पावर एन प्लस वन अल्फा माइनस एन साइन अल्फा, तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस एन साइन अल्फा अपॉन ये आ जाएगा कॉस टू दी पावर एन प्लस वन अल्फा, और तीसरे टर्म का क्या आएगा इस वाले? यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, बताओ क्या आएगा इसका? वन अपॉन साइन अल्फा एक टर्म ले लो और वन अपॉन कॉस टू दी पावर एन अल्फा एक टर्म ले लो, तो वन अपॉन साइन अल्फा का आएगा माइनस एन कॉस अल्फा अपॉन साइन टू दी पावर एन प्लस वन अल्फा इंटू वन। सर हाँ जी बच्चों, सर हमें लगा फ्रीज हो गए। हाँ बताओ बताओ। बताओ
आवाज आ रही है? यस सर। ये तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट करके इसको जीरो पुट करना होगा, ये थोड़ा सा इसमें इतना काम करना पड़ेगा, है ना सर? वही किया था सर, बहुत अजीब आंसर आ रहा था मेरा तो। इसमें ना पाई बाई फोर आएगा क्रिटिकल पॉइंट, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पाई बाई फोर आएगा। अच्छा, बस पाई बाई फोर का फिर वैल्यू चेक करना डबल डेरिवेटिव की, ज्यादा टफ है नहीं लग रहा है सब। ओके सर, कर लेना इसको कंप्लीट, है ना? पाई बाई फोर वैल्यू आएगी, फिर पाई बाई फोर पुट करें। इसका आंसर लिख देना एक बार। हाँ मैं लिख देता हूँ, ये आएगा अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर पर ये मिनिमा बनेगा, और जो वैल्यू बनेगी ना वो ये बनेगी, वन प्लस ठीक है। ओके सर, ठीक है, ओके। चलो फिर इसकी टेस्ट की ढंग से तैयारी करना इस बार। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।